अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैथमेटिक्स 12 चैप्टर 2 हमारा है डिफरेंशिएशन, और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.3। तो एक्सरसाइज 2.3 डिस्कस करने से पहले आपने जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। इस एक्सरसाइज में आप लोगों ने जो है डेरिवेटिव लेना सीखना है कि फंक्शंस का डेरिवेटिव किस तरह लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि बिफोर सॉल्विंग एंड अंडरस्टैंडिंग एक्सरसाइज 2.3, रिमेंबर द फार्मूलाज एंड लर्न हाउ टू अप्लाई ऑन क्वेश्चंस। इस एक्सरसाइज में कौन से फार्मूले यूज़ हो रहे हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि फार्मूलाज को किस तरह अप्लाई करना है क्वेश्चंस पर। तो सबसे पहले जी आप लोग फार्मूला देख लें। हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो ये है कि जब भी किसी कॉन्स्टेंट का आप लोगों ने डेरिवेटिव लेना है तो हमारा कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो इक्वल टू ज़ीरो होगा। यहाँ पे उसने कहा है सी इज़ एनी कॉन्स्टेंट डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट है जिस पे हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया है, तो ये हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि कॉन्स्टेंट के पे जब डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो वो हमारे पास ज़ीरो होगा। अब इस कॉन्स्टेंट की जगह जो है वो कोई भी आ सकता है, एलिमेंट ए बी सी या फिर जैसे यहाँ पे सी है, तो इस तरह जो है वो ये हमारे कॉन्स्टेंट यूज़ होंगे क्वेश्चंस में जिन पे आप लोगों ने जब डेरिवेटिव अप्लाई करना है तो वो ज़ीरो होगा। उसके बाद ही हमारा जो टर्म टू है उसमें ये कहता है कि जब एक सिंगल वेरिएबल का आप लोगों ने डेरिवेटिव लेना है, जैसे कि डी बाई डी एक्स, और हमने एक्स का डेरिवेटिव लेना है, तो ये इक्वल होगा वन के। ठीक है, उसके बाद ही हमने पावर रूल डिस्कस करना है। डेरिवेटिव में आप लोगों ने पावर रूल किस तरह लगाना है। अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है जिसकी पावर है एन, जैसे वेरिएबल एक्स है और इसकी पावर है एन, और मैं चाहती हूँ इस पर मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूँ, जब मैं इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करूँगी तो हमारा पावर रूल ये है कि हमारी जो पावर है वो शुरू में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने वेरिएबल की जो पावर है उसमें से एक काम करना है, देन आप लोगों ने इस टर्म का डेरिवेटिव लेना है। तो इस तरह हमारी जो है वो हमारा पावर रूल जो है वो अप्लाई होता है फंक्शन पर। तो जब भी आप लोगों ने किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है तो आप लोगों ने याद रखना है कि जब कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हम ले रहे होंगे तो वो इक्वल टू ज़ीरो है, वेरिएबल का डेरिवेटिव जैसे कि एक्स है तो इसका इक्वल टू वन है। उसके अलावा जब आप लोगों ने पावर रूल अप्लाई करना है तो सिंपली इस तरह अप्लाई करना है, पहले आएगी पावर शुरू में, फिर हमारा जो वेरिएबल है जिसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं उसकी पावर में से एक कम होगा, देन हमारा जो वेरिएबल है जिसकी पावर है और जिस पे हम पावर रूल अप्लाई कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव जो है वो वन होगा। ये आप लोगों ने एज इट इज़ याद कर लेना है, ये हमारे पास पावर रूल की जनरल फॉर्म है। ठीक है, जब हम इसे क्वेश्चंस पर अप्लाई करेंगे तो आप इजीली और ज़्यादा समझ सकेंगे इसे। नेक्स्ट ही हमारा यूज़ होगा इस एक्सरसाइज में प्रोडक्ट रूल, कि जब भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट आ जाएगा, जैसे यहाँ पे एक ये फंक्शन है दूसरा ये फंक्शन है, ठीक है, जब दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है और उस पर हमने डेरिवेटिव अप्लाई करना है तो हम ये रूल अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल हम किस तरह अप्लाई करेंगे, जब हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स और हम चाहते हैं हम इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करें, तो हम इस तरह करेंगे कि हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है वो एज इट इज़ आ जाएगा और डेरिवेटिव अप्लाई होगा सेकंड फंक्शन पर। उसके बाद मिड में प्लस साइन आएगा और जिस फंक्शन का आप लोगों ने डेरिवेटिव लिया है वो फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा, और वो फंक्शन जिसका आप लोगों ने डेरिवेटिव नहीं लिया, मतलब जो फर्स्ट फंक्शन है आप लोगों का, उसका आप लोगों का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो जब मैं आप लोगों को इसे क्वेश्चन में करवाऊंगी तो आप लोगों को बहुत ही इजीली समझ आ जाएगा आपका प्रोडक्ट रूल। ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल की जनरल फॉर्म है जिसे आप लोगों ने रिमेंबर रखना है, और जैसे ही आप लोग अपने रूल डेरिवेटिव के जो है वो रिमेंबर रखेंगे अपने माइंड में तो आप क्वेश्चन को ईजीली सॉल्व कर सकेंगे। नेक्स्ट जी ये हमारा है क्वेश्चन रूल, जब हमारे पास दो फंक्शन जो है वो डिवीजन में आ जाएंगे तब आप लोगों ने क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है। इस तरह आपकी डिवीजन में दो फंक्शन है और आप लोग चाहते हैं आप लोग इसका डेरिवेटिव लो, तो उसके लिए आप लोगों ने ये रूल यूज़ करना है। इस रूल में उसने कहा है कि जो हमारा नीचे वाला फंक्शन है उसका पहले स्क्वायर आएगा, फिर हमारा नीचे वाला फंक्शन वैसे ही रहेगा और ऊपर वाले का हम डेरिवेटिव लेंगे, नेगेटिव साइन आएगा,
और जिसका हमने डेरिवेटिव लिया है वो वैसे ही रहेगा और नीचे वाले का जो है वो डेरिवेटिव लेंगे। तो सेम इसी तरह आप लोगों ने इसे क्वेश्चंस पर अप्लाई करना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जी। ये आप लोग समझ लें कि हमारी जो एक्सरसाइज 2.3 है वो डेरिवेटिव का फर्स्ट स्टेप है, जिसमें जनरल फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं। इन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए जी आप लोग सीखेंगे कि डेरिवेटिव किस तरह लेना है। जैसे ही आप लोग इन फार्मूलाज को अप्लाई करना सीख लेंगे तो आप लोगों के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करना बहुत ही ईजी हो जाएंगी। नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ और क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन पर किस तरह इन फार्मूलाज को अप्लाई किया गया है। जी स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज 2.3 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये हमारा गिवन फंक्शन है। ठीक है, अब इस गिवन फंक्शन में आप लोग देखें कि हमारे पास साइन जो है वो एडिशन का यूज़ हो रहा है। ठीक है, आप लोगों ने इसका डेरिवेटिव किस तरह लेना है। ठीक है, सबसे पहले जी हम सॉल्यूशन की तरफ चले जाते हैं। आपका फर्स्ट स्टेप ये होगा कि आप लोगों को जो भी फंक्शन गिवन है आप लोगों ने उसका डेरिवेटिव लेना है, तो आप लोगों ने लेट कर लेना है कि ये फंक्शन हमारे पास y के इक्वल है। इस इक्वेशन y का डेरिवेटिव हम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। उससे पहले जी आप लोगों ने लेट कर लिया कि हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो y के इक्वल है, इस y का डेरिवेटिव आप लोगों ने ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव कैसे अप्लाई करना है ये यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि डेरिवेटिव कैसे अप्लाई करना है। और ये जो d बाई डी एक्स सिंबल है ये शो करता है डेरिवेटिव को। उसके अलावा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जिस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लेना है उस पर हम डैश लगा दें तो इसका मतलब भी यही है कि हम फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हैं। इसके बाद आप लोगों ने जी नेक्स्ट चले जाना है नेक्स्ट स्टेप पर। यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया कि डेरिवेटिव कैसे अप्लाई करना है। आप लोगों ने जब आप लोगों के पास जो गिवन फंक्शन है वो सिंपल है और इसमें एडिशन का सिंबल है, तो आप लोगों ने सिंपली जो है वो पूरी इक्वेशन पे सेपरेट सेपरेट जो है वो डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दिया है। अब आप लोगों ने ये देखना है कि हम जो है इस पर क्या रूल लगाएंगे डेरिवेटिव को सॉल्व करते हुए। एक्स की पावर 4 है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग के पास है x की पावर 4 और आप लोगों ने इसका लेना है डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव लेने के लिए हमारे पास वेरिएबल की पावर है तो हम यहाँ पे लगाएंगे पावर रूल। तो हमारा पावर रूल था कि हमने पावर को लेना है शुरू में। यहाँ पे मैं आप लोगों को अप्लाई करके दिखाती हूँ साइड पे ताकि आप लोग को ईजीली समझ आ जाए। तो अब देखें यहाँ पे x की पावर 4 है जिसका आप लोगों ने लेना है डेरिवेटिव। तो आप लोगों ने इसे किस तरह रिमेंबर करना है, पावर शुरू में, ठीक है, पावर में से एक कम, ऐसे लिखना है आप लोगों ने। उसके बाद इस वेरिएबल का डेरिवेटिव, ऐसे, ठीक है। ये लिखने के बाद जी आप लोगों का क्वेश्चन होगा 4 एक्स की पावर में से जब ये एक कम किया है आप लोगों ने 4 में से एक, तो ये आ जाएगा 3। और एक्स का वेरिएबल, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सिंगल वेरिएबल जिसकी पावर 1 है इसका डेरिवेटिव 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ले लिया है x की पावर 4 का डेरिवेटिव, यहाँ पे सिंपली इन्होंने इसी तरह लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखें जी, आप लोगों ने लेना डेरिवेटिव 2x की पावर 3 डी बाई डी एक्स। जब किसी वेरिएबल के साथ कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल के साथ, तब आप लोग ने क्या करना है, कॉन्स्टेंट को आप लोग ने बाहर लिखना है, डी बाई डी एक्स डेरीवेटिव अप्लाई होगा वेरिएबल पर, इस तरह लिखना है आप लोगों ने। सिंपली उन्होंने भी यहाँ पे ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये लिखने के बाद जी अब आप लोगों ने डेरीवेटिव ले लेना है एक्स की पावर 3 का। तो आपको पता है पावर है वेरिएबल पे, तो यहाँ पे लगेगा पावर रूल। पावर रूल हमें क्या कहता है जी, पावर ये 2 वैसे ही आएगा और यहाँ पे जी पावर शुरू में और एक्स की पावर में से एक हम करेंगे कम, यानी पे माइनस कर देंगे और इस एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा। तो यहाँ पे उन्होंने यही चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पे देखें, ठीक हो गया।
नेक्स्ट जी हमने डेरिवेटिव लेना है एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ले लिया। डेरिवेटिव लेने के बाद यहाँ पे हमारे पास सोल्व आउट करने के बाद ये टर्म आ जाती है। नेक्स्ट आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लें, 2x 1 से मल्टीप्लाई 2x, 6x² 1 से मल्टीप्लाई 6x² एंड 4x की पावर 3, 4x की पावर 3। तो ये था हमारा सिंपली डेरिवेटिव लेने का मेथड। सबसे पहले आप लोगों ने फंक्शन को जो है वो y के इक्वल पुट कर लिया, उसके बाद जी आप लोगों ने इस पर डेरिवेटिव अप्लाई किया, और डेरिवेटिव अप्लाई करने के बाद आप लोगों ने देखना है कि आप लोग डेरिवेटिव किस तरह लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने डेरिवेटिव जो है वो ध्यान से लेना है, ताकि डेरिवेटिव लेते हुए आप बेसिक गलती ना करें, और यही जो है आप लोगों के मेथड जो है डेरिवेटिव लेने का नेक्स्ट यूज़ होना है। तो आप लोगों ने इसे ध्यान से करना है, इसकी प्रैक्टिस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। नेक्स्ट देखें हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप लोगों ने सिंपली डेरिवेटिव लेना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में लिया है, तो इसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने खुद कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा डिफरेंट है, ये मैं आप लोगों को करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में जी हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है वो आप लोग देखें, a+x/(a-x), तो क्या आप लोगों को याद आ रहा है कुछ? हमारा जो फंक्शन है वो डिवीजन में है, तो जब हमारा फंक्शन डिवीजन में होगा तो हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? हम क्वोशेंट रूल अप्लाई करेंगे। अब हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि जी क्वोशेंट रूल किस तरह अप्लाई करना है इस पे। सबसे पहले जी हमने लेट कर लेना है कि हमारा जो गिवन फंक्शन है वो वाई के इक्वल है, उसके बाद हमने इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम एज इट इज़ आप लोगों ने लिखना है। और अब हम देखते हैं कि हमने रूल कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पे आ जाते हैं जी, इसको देखते हुए मैं आप लोग को बताती हूँ कैसे लिखना है। आप लोगों ने सिंपली आप लोगों ने जी अपने फंक्शन को देखना है, और इसके नीचे वाली टर्म को पहले देखना है। नीचे वाली टर्म का आप लोगों ने लिख लेना है होल स्क्वायर, ठीक है, और देन आप लोगों ने कहना है नीचे वाले वैसे ही और ऊपर वाले टर्म का डेरिवेटिव, इस तरह आप लोगों ने लिखना है। ठीक है, नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाली टर्म वैसे ही, और ऊपर वाली टर्म, फंक्शन की जो ऊपर वाली टर्म है उसका आप लोगों ने ले लिया डेरिवेटिव, नेगेटिव साइन। और ये चीज़ जिसका आप लोगों ने डेरिवेटिव लिया है ये एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है, ऊपर वाला वैसे ही और नीचे वाले का डेरिवेटिव a-x। इस तरह आप लोगों ने जो है वो रिमेंबर रखना है। अगर आप इस तरह क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे क्वेश्चन पे, तो आप इजीली जो है इसको समझ लेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखें आप, उन्होंने कहा नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे ही, डेरिवेटिव ऊपर वाले का माइनस ऊपर वाला वैसे ही, और नीचे वाले का डेरिवेटिव। इस तरह आप लोगों ने इसे याद कर लेना है। अब नेक्स्ट उन्होंने सिंपली क्या किया जी, जिस टर्म का डेरिवेटिव लेना था उसका डेरिवेटिव ले लिया। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि डेरिवेटिव कैसे लिया है, a+x का डेरिवेटिव, मिड में जो है वो प्लस साइन है, तो डेरिवेटिव दोनों पे सेपरेट अप्लाई होगा। d/dx a पे सेपरेट अप्लाई होगा, माइनस d/dx एक्स पे सेपरेट डिवाइड जो है वो अप्लाई होगा। कॉन्स्टेंट पे जब अप्लाई हुआ, यहाँ पे ए जो है वो कॉन्स्टेंट है, जब वो कॉन्स्टेंट पे अप्लाई होगा तो 0 आएगा, और जब हमारा d/dx एक्स पे अप्लाई होगा तो 1 आएगा। तो यहाँ पे जी हमने डेरिवेटिव ले लिया। सिंपली आप लोगों ने इसका भी ऐसे ही डेरिवेटिव लेना है, ए का जो है वो 0 और एक्स का जो है वो -1। यहाँ पे हमने डेरिवेटिव ले लिया। डेरिवेटिव लेने के बाद जी हमारा जो टर्म है a-x वो मल्टीप्लाई हुई है 1 से, तो हमारे पास ये टर्म आ गई, और हमारे जो टर्म है a+x वो मल्टीप्लाई हुई है -1 से, और यहाँ पे भी माइनस था तो माइनस माइनस प्लस, और हमारे पास ये टर्म आ गई। अब इस टर्म को जब हमने खोल के लिखा है तो हमारे पास यहाँ पे देखें जी x x से कटिंग हो रहा है, और 2a, जब भी हम प्लस करते हैं तो हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो ऐड होते हैं, किसी भी वेरिएबल के जो है कोफिशिएंट
कोफिशेंट ऐड होते हैं, तो यहाँ पे 2a आ गया और डिवाइड में a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखें जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपने सिंपली कोशेंट रूल लगाना है। यहाँ पे देखें, सबसे पहले उन्होंने लेट कर लिया वाई के इक्वल, देन उन्होंने डेरिवेटिव अप्लाई किया, डेरिवेटिव अप्लाई करने के बाद कोशेंट रूल लगा दिया, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन, और ऊपर वाला वैसे ही और नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो कितना इजी है कोशेंट रूल अप्लाई करना, देखें। तो कोशेंट रूल अप्लाई करने के बाद उन्होंने डेरिवेटिव ले लिया इस टर्म का डेरिवेटिव, और यहाँ पे इस टर्म का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव लेने के बाद हमारे पास ये आ जाते हैं, और इसको हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो है ये टर्म बन जाती है। नेक्स्ट हमने सॉल्व किया तो हमारे पास डेरिवेटिव आ गया ये। तो सेम आपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व आउट कर लेना है। नेक्स्ट देखिए जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए जी, हमारे पास दो जो है वो प्रोडक्ट में उन्होंने दे दी है वैल्यूज। तो आप लोगों ने जब इस तरह की वैल्यू आ जाए तो आप लोग ऐसे भी इसे कर सकते हो कि आपस में जब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, 3x पहले एक्स इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 × 3 = 15, एंड माइनस माइनस प्लस 5x। अगर आप इस तरह इसे लिख के करते हैं, पहले इस तरह आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लें एंड देन डेरिवेटिव लें, तो आप लोगों को प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना पड़ेगा। आप लोग सिंपली जो है इस पे डेरिवेटिव सिंपली अप्लाई करेंगे अलग अलग, और जो है डेरिवेटिव लेने के बाद सोल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा आप लोगों का। लेकिन अगर आप लोग प्रोडक्ट रूल लगाना चाहते हैं तो आप लोग प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं। सबसे पहले y के इक्वल पुट कर लिया फंक्शन को, उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेना है। तो आप लोग इस तरह लिखोगे, ये लिखने के बाद आप यहाँ पे जी प्रोडक्ट रूल लगाया है। प्रोडक्ट रूल कैसे लगाना है जी, हमारे पास दो टर्म है फंक्शन में, दो टर्म्स हैं, ठीक है, दोनों प्रोडक्ट हो रही हैं, तो इसका मतलब हम प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल उन्होंने लगाया फर्स्ट टर्म वैसे ही और सेकंड टर्म का डेरिवेटिव, मिड में साइन जो है वो प्रोडक्ट में पॉजिटिव आएगा, ठीक है, और सेकंड वाली टर्म वैसे ही और फर्स्ट टर्म का जो है वो डेरिवेटिव ले लिया। इस तरह जो है आप लोग जो है प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव, सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, ठीक है जी। नेक्स्ट उन्होंने डेरिवेटिव किस तरह अप्लाई किया, सिंपली जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था वैसे उन्होंने कॉन्स्टेंट और वेरिएबल पर डेरिवेटिव अप्लाई किया और ये टर्म आ गई। नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन सोल्व हो गया सिंपली ऐसे जी। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने क्या किया है, सबसे पहले उन्होंने जो हमारा गिवन क्वेश्चन था उसे y के इक्वल पुट कर लिया। y के इक्वल पुट करने के बाद हमने जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद जी ये बहुत ही सिंपली, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा क्योंकि हम इसे सिंपलीफाई कर लेंगे फार्मूला ओपन करने के बाद। इस तरह स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएंगे, ठीक है, और हमारा क्वेश्चन जो है वो सिंपलीफाई हो जाएगा। सिंपलीफाई करने के बाद जो है हम इजीली अब क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं, मीन टू से डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जी डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया इस इक्वेशन पे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। डेरिवेटिव अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये टर्म बन जाती है, ठीक है, देन हमारा ये आंसर आ जाता है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.3 जिसमें हम सीख रहे हैं डेरिवेटिव किस तरह लेना है इक्वेशंस का। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 7, ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इसमें इन्होंने इक्वेशन थोड़ी डिफिकल्ट दी है। तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, जब आप लोगों को इस तरह की इक्वेशंस आ जाती हैं, पेपर में आ जाती हैं, टेस्ट में आ जाती हैं, तो आप लोगों ने इन इक्वेशंस को पहले सिंपलीफाई कर लेना है। अब मैंने इसे सबसे पहले y के इक्वल लेट कर लिया, लेट करने के बाद जी मैं इसे सिंपलीफाई कर लूँगी इस इक्वेशन को।
इससे हमने सिंपलीफाई करना है कि हमारे पास इजी सी इक्वेशन बन जाए जिसका हम जो है वो डेरिवेटिव ले सके। तो अब यहाँ पे देखिए जी, हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है उसमें 1 + √x है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है x - x की पावर 3/2। तो अगर हम यहाँ से इसे सोल्व करें तो हम अंडर रूट में वैल्यू बना सकते हैं, ठीक है। और अगर हम इसकी अंडर रूट में वैल्यू बना लेंगे तो ये टर्म दोनों एक जैसी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये करने के लिए जी हमने यहाँ पे क्या करना है, 1 + √x और दूसरी टर्म है x - x की पावर 1/2 · x की पावर 1। इससे मैं लिख सकती हूँ इसको, क्योंकि प्रोडक्ट में वेरिएबल की जो पावर है वो ऐड होती है, और जब मैं 1/2 + 1 को ऐड करती हूँ तो मेरे पास आ जाता है 1 + 2 / 2। तो ये है 3/2 के इक्वल, तो 3/2 के इक्वल है। तो अगर मैं इसे ओपन करके लिखूँ तो मैं इस तरह लिख सकती हूँ। तो इसी वजह से मैंने इसे इस तरह लिख लिया। लिखने के बाद मैं क्या करूँगी कि 1 + √x है x-, आप देखें अंडर रूट की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है 1/2 की, ठीक है। 1/2 की इक्वल होती है, तो यहाँ पे मैं इस पे अंडर रूट लगा सकती हूँ और यहाँ पे जो x है वो वैसे ही आ गया ऐसे, ठीक है। तो ये सब करने के बाद जो है मैं यहाँ से अब x को कॉमन ले सकती हूँ। अब ये स्टेप सेम एज इट इज़ यहाँ पे हुआ है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने ये अंडर रूट एक्स कैसे बनाया है ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया, तो ये आप लोग यहाँ पे देख लें। अंडर रूट एक्स बनाने के बाद उन्होंने यहाँ से इस टर्म से उन्हें पता था कि एक्स कॉमन आ रहा है, तो उन्होंने एक्स कॉमन ले लिया। वो एक्स जो कॉमन लिया वो यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे अब टर्म देखें सेम एज इट इज़ बन गई है, सिर्फ साइन ऑपोजिट है। तो ऑपोजिट साइन है तो यहाँ पे हम फार्मूला लगा लेंगे। a² - b² a + b a - b, रिमेंबर करें अपना फार्मूला, यही फार्मूला उन्होंने इस टर्म पे लगाया। ओपन फार्मूला को उसने क्लोज कर दिया एज इट इज़, ठीक हो। इस स्टेप के बाद आप लोगों ने इस तरह क्वेश्चन करना है, जो कि इजी मेथड है आप लोगों के लिए। आप लोगों ने 1 का स्क्वायर + -√x का स्क्वायर आता है, ठीक है। यहाँ पे x है, ये टर्म है ना, तो ये इसे कट जाएगी, x 1 - x बन जाएगी टर्म, ठीक है। जब ये इसे मल्टीप्लाई होगी तो x x का स्क्वायर बन जाएगी, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने के बाद ये डिवीजन में अंडर रूट एक्स है इस तरह, तो आप इसे इस तरह भी लिख सकते हो। इस स्टेप के बाद x·x·x² / √x इस तरह आप लोग लिख सकते हो, एंड −x² / √x, ठीक है। इसके बाद अब आप इसे पावर में चेंज करना चाहते हो, तो ऊपर x की पावर 1 है और नीचे x की पावर 1/2 है, ऊपर जाके −1/2 होगी, −x² है और ऊपर जाके x·x² होगी। अब जब आप लोग इस पावर्स को सॉल्व करोगे, ये वाली पावर्स जो है, प्रोडक्ट में क्या होता है, पावर्स ऐड होती हैं, 1 - 1/2 2 2 - 1, तो ये हो गई 1/2। तो इसी तरह 2 - 1/2 क्या होगी, 2 4 - 1, तो ये हो जाएगी 3/2। पावर्स को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगी 1/2 - x की पावर 3/2। तो आप इस तरह भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, यही आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह भी आप लोग इक्वेशन को सिंपलीफाई कर सकते हैं। इक्वेशन को सिंपलीफाई करने के बाद आप लोग इस पे डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे है जी, इस इक्वेशन को आप लोगों ने सॉल्व किया, अब आप लोगों ने इस पे डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है। डेरिवेटिव अप्लाई कैसे करना है जी, x की पावर 1/2 पे और x की पावर 3/2 पे डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है।
तो यहाँ पे पावर रूल अप्लाई हो रहा है क्योंकि वेरिएबल की पावर आ रही है, ठीक है। तो पावर रूल कैसे अप्लाई होता है, पावर शुरू में एक्स की पावर में से एक कम, ठीक है, और देन एक्स का जो है वो डेरिवेटिव -3/2, पावर शुरू में पावर में से एक कम एंड देन डेरिवेटिव, ठीक है। तो सिंपली जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 पे डेरिवेटिव अप्लाई किया था, आप लोग ने इस क्वेश्चन में भी डेरिवेटिव अप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोग डेरिवेटिव लेने के बाद जो आप लोग की ये टर्म बन जाती है, इस टर्म को आप लोग ने कैसे सोल्व करना है, यहाँ पे आप लोगों ने जी एलसीएम ले लेना है। एलसीएम आप लोगों का होगा 2√x, ठीक है, और 2√x से जब ये डिवाइड होगा तो 1 आएगा, तो ये 1 सेम एज इट इज मल्टीप्लाई होने के बाद, माइनस 2 जब 2√x से डिवाइड होगा तो √x आंसर आएगा। तो यहाँ पे √x से मल्टीप्लाई होंगे तो x आ जाएगा, तो ऐसे आप लोगों का आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखें जी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी सिंपली आप लोगों ने जी क्वोशेंट रूल लगाना है। क्वोशेंट रूल लगाने के बाद यहाँ पे आप लोगों के लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज होगी कि आप लोगों ने जब इसका इस टर्म का और इस टर्म का डेरिवेटिव ले लेना है, डेरिवेटिव लेने के बाद आप लोगों ने इस टर्म को एज इट इज़ लिखना है। आप लोगों ने यहाँ पे कॉमन लेना है, कॉमन लेना है इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पे भी 2x है और इस टर्म में भी 2x है, तो 2x कॉमन आ गया। उसके अलावा यहाँ पे x² + 1 है और यहाँ पे x² + 1 का होल स्क्वेयर है, तो आप लोगों ने ये कॉमन लेने हैं दोनों टर्म्स में से। जब आप लोग कॉमन लेंगे तो आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे इजीली सॉल्व हो जाएगा, बाकी टर्म जो बची वो हमने यहाँ पे लिखनी है। 2x² - 1 एंड -x² + 1 का होल स्क्वेयर था, और एक चीज़ कॉमन चली गई और एक यहाँ पे आ गई, ठीक है। कॉमन लेने के बाद ही आप लोग इस टर्म को जब प्रोडक्ट करोगे, प्रोडक्ट करने के बाद ये चीज़ बन जाएगी और x² से सॉल्व हो जाएगा, तो यहाँ पे x² - 3 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, सिंपली डेरिवेटिव अप्लाई किया हमने। नेक्स्ट देखिए जी क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी आप लोगों ने सिंपली जो है वो क्वोशेंट रूल लगाना है, जैसे कि यहाँ पे अप्लाई हुए क्वेश्चन रूल लगाया है, देन हमने डेरिवेटिव अप्लाई कर लिया। डेरिवेटिव लेने के बाद जी हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है और हमारा आंसर आ जाना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 में भी क्वेश्चन रूल लगाया हुआ है जी। क्वेश्चन रूल सिंपली आप लोगों ने क्वेश्चन रूल लेना है और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 11 भी आप लोगों ने एज इट इज़ क्वेश्चन रूल लगाते हुए सॉल्व करना है। 12 भी, तो क्वेश्चन बहुत इजी हैं, आप लोगों ने इनकी प्रैक्टिस करनी है। और आप लोगों ने प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल और पावर रूल किस तरह अप्लाई करते हैं, ये सारे जो है वो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए सीख लेने हैं। यहाँ पे देखिए जी क्वेश्चन नंबर 14। हम क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, ये प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, इसमें उन्होंने जो गिवन वैल्यू दी हुई है उसका डेरिवेटिव हम किस तरह लेंगे, ये आप लोगों ने देखना है ना। तो डेरिवेटिव लेने के लिए सबसे पहले जी हमने इक्वेशन को लेट कर लिया इक्वल टू वाई के। उसके बाद आप लोग देखिए, अब इस टर्म का डेरिवेटिव लेना थोड़ा सा टफ है, अगर हम क्वोशेंट रूल भी लगाएं तो वो बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। तो आप लोगों ने इस इक्वेशन को पहले सॉल्व आउट करना है और इसकी थोड़ी इजी फॉर्म ले आनी है, ताकि डेरिवेटिव लेना और उस पर रूल अप्लाई करना, मतलब क्वोशेंट रूल अप्लाई करना या प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना हमारे लिए ईजी हो। तो हमने यहाँ पे जी वाई के को लिख लिया है इस फंक्शन को। उसके बाद आप लोग देखिए, इस फंक्शन में हमारे पास जो टर्म है ऊपर वाली और नीचे वाली, इस टर्म में हम रैशनलाइज कर सकते हैं। रैशनलाइज हम करते हैं जब हमारे पास a+b, a-b हो टर्म, तो हम रैशनलाइज करते हैं नीचे वाली टर्म से। इस नीचे वाली टर्म को हम जो है साइन चेंज करते हुए प्लस बी करते प्रोडक्ट बी करते हैं और इसको डिवाइड भी करते हैं, इस तरह हम रैशनलाइज करते हैं। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। तो हमने इस इक्वेशन में जो है वो सिंपली जो है यहाँ पे रैशनलाइज किया है। नीचे वाली टर्म में हमारे पास प्लस साइन था और हमने नेगेटिव साइन लगा के इसे मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है। जब हमने रैशनलाइज किया तो आप लोग देखें कि हमारे पास जो टर्म बनी है यहाँ पे, ऊपर वाली टर्म जो है वो प्रोडक्ट होगी, ठीक है।
जब ये प्रोडक्ट होगी तो उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे एक टर्म ये थी और एक टर्म ये, जब ये प्रोडक्ट हुई तो उन्होंने इसकी पावर को ऐड कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास जो इसकी पावर है वो 2 हो गई, ठीक है। और जो नीचे वाली टर्म थी वहाँ पे आप लोग देखें, नीचे वाली टर्म में हमारे पास जो है वो दोनों वैल्यूज़ के साथ ऑपोजिट साइन है, दूसरा ए और बी की वैल्यू सेम है, मतलब हमारे पास जो फार्मूला है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वो ओपन हो रहा है यहाँ पे। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर मीन टू से एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखा हुआ है, तो हम इसे जो है वो क्लोज़ कर देंगे इस फार्मूले को देखते हुए। तो क्लोज़ करने के बाद आप लोग देखें नेक्स्ट हमने कैसे सोल्व किया है कि ऊपर वाली टर्म जो है होल स्क्वेयर है, तो हम लोगों ने इस फार्मूला को ओपन कर लेना है ए माइनस बी का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2 ए और बी, सिंपली यही उन्होंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। फार्मूला को ओपन कर लिया और नीचे वाले फार्मूले में यहाँ पे देखिए जी, ए स्क्वेयर मतलब स्क्वेयर स्क्वेयर से कट जाता है, यहाँ पे जब हम स्क्वेयर लेते हैं तो अंडर रूट से कटिंग हो जाता है, कटिंग होने के बाद हमारे पास ये टर्म बन जाती है, ठीक है। इतना हो गया, इतना क्लियर है आप लोगों को, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे अब आ जाएं आप लोग, जब हमने जो है ऊपर वाली टर्म में फार्मूला ओपन किया तो हमारे पास ये टर्म ओपन हो जाती है क्योंकि स्क्वेयर स्क्वेयर से कट जाता है। उसके बाद देखें जी, यहाँ पे अंडर रूट में हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को जब हमने प्रोडक्ट किया तो हमारे पास जी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का माइनस बी का स्क्वेयर मीन टू से हमारा फार्मूला जो है वो क्लोज़ हो जाता है। क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे जी 2 कॉमन आ रहा है तो हमने 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये टर्म बन जाती है ऊपर वाली, और नीचे हमारा जो 2x है वो कॉमन जो हमने 2 लिया उससे कटिंग हो जाता है, हमारे पास x बच जाता है। अब आप लोग यहाँ पे गौर करें कि हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन था उसे सॉल्व करना जो है वो मुश्किल था बाय क्वेश्चन रूल से, लेकिन जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व आउट कर लिया तो हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन आई है वो हमारे पास अब इजी इक्वेशन बन गई है ना, ये एक इजी सी क्वेश्चन बन गई है जिस पे हम क्वेश्चन रूल सिंपली लगा सकते हैं। तो इस तरह जब आप लोगों के क्वेश्चन में थोड़ी सी डिफ़िकल्ट जो है वो फंक्शन आ जाता है अगर आप लोगों को, तो आप लोग उसे ऐसे इजीली सॉल्व करके उसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो इस तरह आप लोगों ने जी डेरिवेटिव अब अप्लाई करना है बाई क्वेश्चन रूल से। क्वेश्चन रूल लगाया है जी हमने, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे ही, ऊपर वाले फंक्शन का जो है वो डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाले टर्म वैसे ही और नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो इससे हमने जब डेरिवेटिव लिया है तो हमारे पास ये टर्म आ जाती है, इस पे हमने जो वो पावर रूल अप्लाई कर लिया है, डेरिवेटिव लेने के बाद हमारे पास ये टर्म आ जाती है। और इसके बाद ही हमारे पास यहाँ पर हमने इसे किस तरह लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और ये वाली टर्म जो है उसे हमने लिखा है प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप लोगों ने इसे इजीली सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो यहाँ पे एलसीएम आ रहा है, ठीक है, तो हमने एलसीएम लेना है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा इसका, ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। डेरिवेटिव लेने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व आउट कर लिया और यहाँ पे एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद जी ये हमारे पास एक बटा ये आ रहा है, दूसरा ये आ रहा है ओवर में, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाली टर्म से, जब ये ऑपोजिट होंगी टर्म्स दोनों, जब भी हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी आ जाएगा, ठीक है। जब 2 ओवर्स आ जाती है हमारे पास डिवीजन में तो हम ए स्क्वायर प्रोडक्ट करते हैं सी बाय इन दोनों वैल्यूज़ को जो है प्रोडक्ट कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह हम करते हैं। तो यही काम उन्होंने यहाँ पे किया है, उसके बाद जी हमारे पास ये आंसर आ गया।
यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में मैं आप लोगों को बता देती हूँ आप लोगों ने क्या करना है। यहाँ पे उन्होंने जो गिवन फंक्शन है वो हमारे पास दो फंक्शन उन्होंने हमें गिवन फंक्शन दिए हुए हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है जी, आप लोगों ने पहले प्रोडक्ट रूल लगा लेना है क्योंकि दो फंक्शन है और दोनों आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं, और जब हम इनका डेरिवेटिव लेंगे तो पहले प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने के बाद जिस टर्म का हमें डेरिवेटिव लेना होगा, मेन टू से ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट वैसे ही रह जाएगी, और सेकंड का डेरिवेटिव लेना है, और फिर सेकंड वैसे ही लिखेंगे और फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव तो सिंपली वन आ जाएगा। और इस टर्म का जब आप लोगों ने डेरिवेटिव लेना है तो इस पर आप लोगों ने क्वेश्चन रूल लगाना है, ठीक है। तो सिंपली हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसमें हमारे पास दो रूल अप्लाई होंगे, एक तो प्रोडक्ट रूल पहले अप्लाई होगा, देन जो है इस पर क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 को आप लोगों ने ट्राई कर लेना है। नेक्स्ट देखें जी हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, अब ये क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन से डिफरेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, इफ़ वाई इज़ इक्वल कहता है, अगर वाई इस टर्म के इक्वल है तो शो डैट करें कि हमारे पास ये टर्म जो है इस टर्म के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अब प्रूव करना है, प्रूव आउट करना है इस टर्म को, ठीक है जी। हम देखते हैं कैसे प्रूव करना है। सबसे पहले जो हमारे पास गिवन वाई की टर्म थी उसे हमने लेट कर लिया कि ये वाई के इक्वल है, ठीक है, लेट कर लिया वाई के इक्वल है, और इस टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर -1/2। यही उन्होंने यहाँ पे किया कि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स इस टर्म का डेरिवेटिव ले लिया। जब आप लोगों ने इस टर्म का डेरिवेटिव लेना है तो इस पर पावर रूल अप्लाई करना है, 1/2 एक्स की पावर 1/2 में से एक कम और एक्स का डेरिवेटिव 1, ठीक है। तो यहाँ पे -1/2 का डेरिवेटिव भी सिंपली ऐसे ही लेना है, यहाँ पे देखें, ठीक है। डेरिवेटिव लेने के बाद यहाँ पे हमने इस टर्म को ऐसे लिख लेना है। यहाँ पे किस तरह हमने लिखा है कि एक्स की पावर -1/2 है तो हम इसे 1/√x लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने यही काम किया है। लिखने के बाद जी हमारे पास dy/dx की वैल्यू जो है वो ये आ गई है। y का डेरिवेटिव जो विद रिस्पेक्ट टू x लिया है तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू जो है वो गिवन थी क्वेश्चन में। अब उन्होंने कहा हमें कि हमने ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, ठीक है। dy/dx की वैल्यू हमारे पास आ गई जब हमने इस y का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखेंगे नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने इस dy/dx की वैल्यू के साथ 2x को मल्टीप्लाई किया प्लस y की वैल्यू पुट की, मेन टू से जो हमारी ये टर्म थी इस टर्म में उन्होंने dy/dx की वैल्यू पुट कर दी लेफ्ट हैंड साइड पे। dy/dx की वैल्यू कहाँ से आई, इस y का डेरिवेटिव जब विद रिस्पेक्ट टू x लिया तो उसकी जो वैल्यू है वो वहाँ यहाँ पे उन्होंने पुट कर दी लेफ्ट साइड पे। जब हमने लेफ्ट साइड पे वैल्यू पुट की तो हमने इसे सॉल्व आउट कर लिया। कैसे किया है जी, 2x जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इस टर्म से, ठीक है। तो जब 2x इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा, पहले इस टर्म से मल्टीप्लाई हुआ तो x x से कटिंग हो गया तो ये टर्म आई, उसके बाद जब इससे हुआ तो 2 2 से कटिंग और x भी x से कटिंग हो जाएगा तो ये टर्म आई, और उसके बाद ये टर्म्स। अब यहाँ पे देखेंगे ये टर्म्स दोनों सेम हैं और साइन भी ऑपोजिट हैं तो कटिंग हो जाएंगी, उसके बाद हमारे पास टर्म बच जाए एक्स बाई अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। तो आप लोग यहाँ पे डेरिवेटिव ले लो, सिंपली एक्स आ जाता है यानी 2x में अंडर रूट एक्स आ जाता है। और यहाँ पे इन्होंने ये किया है कि ये टर्म देखें, इस टर्म को देखें आप लोग, एक्स की पावर 1 है और बटा में एक्स की पावर 1/2 है। जब मैं एक्स की पावर मल्टीप्लाई करूँगी तो एक्स की पावर जो है साइन चेंज कर देगी, और प्रोडक्ट में क्या होता है पावर्स ऐड होती हैं, 1 -1/2 को अगर आप लोग ऐड करिए तो ये हमारे पास 1/2 आता है। तो इसका मतलब कि जब हमारे पास एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स टर्म आएगी तो हम उसे अंडर रूट एक्स के इक्वल लिख सकते हैं। तो उन्होंने सिंपली यही काम यहाँ पे किया है, और ये जो अंडर रूट एक्स है
ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जी, हमारे पास जब ये अंडर रूट एक्स आ गया है तो ये वन और वन टू अंडर रूट एक्स ऐड हो रहे हैं। तो हमने क्या किया जी, प्रूव कर लिया हमने इस टर्म को। सिंपली क्या किया जी, वाई जो गिवन था उसका डेरिवेटिव ले लिया, तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, उसे यहाँ पे पुट किया लेफ्ट साइड पे, सॉल्व आउट किया तो राइट साइड के इक्वल आ गया। ठीक है, इस तरह आप लोगों ने इसे प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है कि उन्होंने हमें वाई की वैल्यू दी हुई है और हमें कहा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स जो है वो इसके इक्वल आएगा। पहले क्वेश्चंस में हम क्या करते थे कि हम हमें सिर्फ फंक्शन गिवन होता था और हम इसे सॉल्व करके आंसर निकालते थे। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने आंसर दे दिया है हमें कि डी वाई बाई डी एक्स इस टर्म के इक्वल है, तो आप लोगों ने कैसे प्रूव करना है जी, वाई इज इक्वल है इस टर्म के, तो आप लोगों ने जब इसका डेरिवेटिव लेना है सेम क्वेश्चन नंबर वन की तरह, जब आप लोगों ने डेरिवेटिव लिया तो इसका डी वाई बाई डी एक्स डेरिवेटिव जो है इस टर्म के इक्वल है। इसी तरह अगर हम कहें कि हमारे पास जो राइट साइड पे टर्म है ये इसके इक्वल है, ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या वाकई ही इसके इक्वल है, क्या इस टर्म का भी यही आंसर आता है कि नहीं। ये देखने के लिए क्या किया, हमने ये टर्म लिखी और इसमें हमने वाई की जगह वाई की वैल्यू लिख ली जो हमें गिवन थी। यहाँ पे लिखने के बाद जब हमने इसे सॉल्व आउट किया तो हमारे पास ये टर्म बन गई। यहाँ पे होल स्क्वायर किया जब इसे कट जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास ये टर्म बन जाएगी। जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। तो हम क्या देखते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स का जो आंसर आया था जब हमने वाई की वैल्यू को इस टर्म में पुट किया, तो इसका आंसर भी सेम यही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इस टर्म के इक्वल है, तो हैंस हमने ये टर्म प्रूव कर दी है। तो इस तरह जी हमारा लास्ट क्वेश्चन भी हो गया है। तो 2.3 आप लोगों को अच्छे से अगर समझ आई है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बिल्कुल, अल्लाह हाफिज़। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 2.4 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।